हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज आज हम करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की परमाणु में खोज हमने कर ली है। किन किन की परमाणु परमाणु जो है परमाणु में हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज बेटा हमने कर ली है। तो यहां तक लोगों को मालूम चल गया कि भैया परमाणु जो है परमाणु वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है, पर न्यूट्रॉन के बारे में किसी को पता नहीं था। प्रोटॉन का मास 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 केजी होगा। बोलो ना यार, निकाला था कि नहीं निकाला था। सर निकाला था, मैंने बताया था आप लोगों को। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 केजी होगा। और मैंने आपसे ये भी बताया था 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 केजी इतना छोटा नंबर है कि हम इसको एकदम जीरो ही मान सकते हैं। बोलो ना यार, हाँ के ना। अब ना लोगों ने परमाणुओं का परमाणु भार निकालना शुरू कर दिया कि भैया प्रोटॉन जो परमाणु है उसका परमाणु का परमाणु भार कितना होगा, कि एक परमाणु में वजन कितना होगा, उसे हम परमाणु भार कहेंगे। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार तो बिल्कुल जीरो के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, परमाणु परमाणु में क्या क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के भार को अगर आप मिला दोगे तो उसे क्या कहोगे, आप परमाणु का भार कहोगे कि नहीं कहोगे। भैया ये एक मार्कर है, इस मार्कर के सभी कंपोनेंट को, सभी पार्ट्स को मैं अलग अलग करके रख दूं तो आप इसका, इस पेन का वजन बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। इसका ये मैंने अलग कर दिया, इसकी रिपल को निकाल के मैंने अलग कर दिया, तो आप इसका वेट निकाल पाओगे, एग्जैक्ट वेट नहीं निकाल पाओगे। लेकिन इसके सभी अलग अलग कंपोनेंट्स को मैंने एक करके पूरा पेन, प्रॉपर पेन बना दिया, तो अब आप इसका वेट बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। सर बात तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन परमाणु के कंपोनेंट है, और वजन इन दोनों में ही होता है, मास इन दोनों का ही होता है। इसका मास एकदम निग्लिजिबल होता है, जीरो मान सकते हैं। तो प्रोटोन की कुल संख्या का भार ही परमाणु का भार होगा कि नहीं होगा। सर बात तो सही है, इन दोनों के संख्याओं को ऐड करते हैं तो क्या है, जीरो है। इसको हम ग्राम में लिखना चाहें तो 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। इसे हम एक एएमयू भी कहते हैं। ये कितने, किसके इक्वल होता है, एक एएमयू के इक्वल होता है ना, 1 एएमयू के इक्वल होता है। सर आप क्या पढ़ा रहे हो, अपन परमाणु का भार निकाल रहे हैं, धीरे धीरे चलेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। ये स्टार्टिंग है न्यूट्रॉन की खोज की। एक एएमयू के बराबर क्या होता है, एक प्रोटॉन का भार होता है। यानी कि अगर किसी परमाणु में 10 परमाणु है, 10 प्रोटॉन है, तो यानी कि उसका भार कितना होना चाहिए, 10 एएमयू होना चाहिए। कितना, 10 एएमयू होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 10 है ना, तो 10 प्रोटॉन्स का वेट कितना है, 10 एएमयू, तो परमाणु का भार कितना हो गया, 10 एएमयू हो गया। चलिए अभी ना एक चीज अपन देखते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अभी ना हाइड्रोजन का परमाणु भार बताना जरा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। परमाणु क्रमांक कितना था, 1। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, एक प्रोटॉन है ना। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एक प्रोटॉन है। यानी कि इसका भार कितना होगा, एक एएमयू होगा। सर बात तो सही है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक एएमयू होता है। बात सही है। अभी अब ना हीलियम का परमाणु भार कितना होगा, हीलियम का परमाणु भार 2 होता है, परमाणु संख्या 2 होती है, तो परमाणु भार कितना होना चाहिए। सर 2 प्रोटॉन्स है, क्योंकि परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि इसका परमाणु भार 2 एएमयू होना चाहिए। बोलो ना यार, हाँ कि ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कार्बन, कार्बन का परमाणु भार, परमाणु संख्या कितनी है, परमाणु संख्या है 6, यानी कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। इसका मतलब परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, परमाणु नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मास के अकॉर्डिंग हम देखें, तो इसका भार कितना होगा परमाणु का, 6 एएमयू होगा। कितना होगा, 6 एएमयू होगा। याद रखना, यहां तक जो है इस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है। अब देखो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो तो एकदम सही है, नो डाउट। अब लोगों ने क्या किया, एक तुला ली, तराजू ली, और वहां पर क्या किया, जैसे कि 2 केजी है और मैंने इधर 1-1 केजी के 2 या फिर 3 पैकेट ले लिए, तो 2 केजी को इधर वाले 1 केजी के पैकेट से
इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इस तरफ जो है दो पैकेट एक एक केजी के लेने पड़ेंगे, तो 2 केजी हो जाएगा और दोनों तराजू में इक्वल इक्वल हो जाएंगे। बात सही है। ऐसे ही क्या किया अपन ने, हीलियम का हमने एक परमाणु लिया, हीलियम का हमने एक परमाणु लिया और हाइड्रोजन के दो परमाणु ले लिए, हाइड्रोजन के दो परमाणु ले लिए। यह है तराजू, मान के चलो ये एक तराजू है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन के मास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हीलियम का 2 AMU होना चाहिए परमाणु मास। अब यहाँ पे क्योंकि हमने दो हाइड्रोजन के परमाणु लिए हैं, यानी कि एक परमाणु का भार कितना है 1 AMU, और 1 AMU प्लस 1 AMU कितना हो गया 2 AMU, तो ये भी कितना हो गया 2 AMU का भार हो गया, और ये भी कितना हो गया 2 AMU का भार हो गया। बोलो ना यार, हाँ या ना। तो इसका मतलब हीलियम और दो हाइड्रोजन के परमाणु का भार अगर इक्वल होता, अगर इक्वल है तो इन दोनों को एकदम स्ट्रेट हो जाना चाहिए ऐसे। परंतु जो तराजू होती है बेटा वो ऐसी आती है, इसका मतलब हीलियम का वेट अभी भी ज्यादा है, हीलियम का वेट अभी भी ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ। अब हम हाइड्रोजन की संख्या को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, अगर हम 3 लेते हैं तो भी हीलियम का वेट ज्यादा होता है, यहाँ पे 3 AMU हो जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, 4 हाइड्रोजन के परमाणु ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जब हम 4 हाइड्रोजन के परमाणु लेते हैं और एक हीलियम का परमाणु लेता है, दोनों को तोल के देखा जाता है, दोनों को तराजू में रखा जाता है, तो पाया गया कि 4 हाइड्रोजन के परमाणु का भार और एक हीलियम के परमाणु का भार बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है? बराबर आ रहा है, यानी कि हीलियम का परमाणु भार 2 AMU नहीं है, कितना है 4 AMU। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट भैया गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों? हीलियम का परमाणु भार 4 आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ जबकि प्रोटोनों की संख्या तो 2 है और प्रोटोन के कारण ही परमाणु का भार आएगा, प्रोटोन के अनुसार ही परमाणु का भार आना चाहिए। अब ऐसा सिर्फ एक परमाणु में नहीं हुआ, ऐसा हर एक परमाणु में हुआ हाइड्रोजन को छोड़कर, या तो परमाणु संख्या से डबल परमाणु भार आ रहा था, या फिर परमाणु भार जो है वो उसकी परमाणु संख्या से डबल से थोड़ा ज्यादा आ रहा था। जैसे कि सोडियम का परमाणु ले लो, सोडियम का परमाणु है, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी है 11 होती है, इसका परमाणु भार होता है 23 पॉइंट कुछ समथिंग होता है। ऐसा क्यों हुआ? अगर इक्का दुक्का ऊपर नीचे होता, 6 6 से मान लीजिए 7 हो गया, 6.5 हो गया, 6.7 हो गया, चलता, लेकिन सीधे 6 से 12 कार्बन का परमाणु बाहर, इतना बड़ा गैप कैसे हुआ? इसका मतलब परमाणु में कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल होगा जो परमाणु भार को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा होगा और जिसके बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं। अब उसको खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट चालू हो गए, एक्सपेरिमेंट चालू होना शुरू हो गई। बोलो ना यार। अब इसके लिए ना दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियट और क्यूरी साइंटिस्ट, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन उसका रिजल्ट निकाला नहीं निकला, और रिजल्ट निकाला था जेम्स चैडविक ने, और इसीलिए जो जेम्स चैडविक है उसको कहा जाता है कि उसने न्यूट्रॉन की खोज की। अब एक्सपेरिमेंट क्या है उसको जरा समझो। पहले इन्होंने ना पहले क्या किया था, जो क्यूरी साइंटिस्ट थे इन्होंने ना एक पोलोनियम का अल्फा सोर्स लिया, पोलोनियम का अल्फा सोर्स लिया, ये है पोलोनियम अल्फा अल्फा सोर्स। पोलोनियम अल्फा सोर्स का मतलब पोलोनियम, ये इस सोर्स से ना अल्फा पार्टिकल्स की बौछार होने वाली है, किस पे? बेरिलियम की सीट पे, ये है बेरिलियम की सीट। और इन्होंने क्या किया, जो बेरिलियम की सीट है इस पोलोनियम अल्फा सोर्स से अल्फा कणों की बौछार करवाई, जिनकी अल्फा कणों को बम्बार्ड करवाया बेरिलियम पे। अब यहाँ का स्टेप जरा ध्यान से समझना आप लोगों को, नहीं तो फिर ना थोड़ा बहुत परेशानी आएगी। देखो अल्फा कण क्या है, 2Ag4, इन्हीं को अपन अल्फा कण बोलते हैं। तो 2Ag4 प्लस, ये अल्फा कण किससे टकरा रहे हैं, बेरिलियम की सीट पे, बेरिलियम की सीट यानी कि बेरिलियम के परमाणुओं से टकरा रहे हैं, तो ये है बेरिलियम, क्या है बेरिलियम।
बेरिलियम का परमाणु भार, परमाणु संख्या कितनी है? चार है, परमाणु भार 9 होता है। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती बेटा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर ना न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन दोनों के नाभिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार के रिएक्शंस को जिनमें नाभिक पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाएं। और नाभिकीय अभिक्रियाओं में एक हैवी अमाउंट में एनर्जी उत्सर्जित होती है, ऊर्जा इमिट होती है, ठीक है। तो इन दोनों के रिएक्शन से 6 न्यूक्लियस वाला एक परमाणु बनेगा। और 6 न्यूक्लियस वाला कौन है? कार्बन है भैया, कार्बन 12। तो यहाँ पे रिजल्ट में कार्बन परमाणु बनेगा प्लस साथ में रेडिएशन इमिट होगी, है ना। क्या होगी? रेडिएशन, रेडिएशन निकलेगी बाहर। अब ना यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? समान है, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। पर अगर नंबर ऑफ मास आप देखेंगे, मास कितना है? इधर 13 है, 13 एमयू है। टोटल मास कितना है? 13 एमयू है। इधर कितना है? 12 एमयू है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या बोलता है? कि मास को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता, लेकिन हमें यहाँ पे 1 एमयू मास का लॉस देखने को मिल रहा है ना। लॉस ऑफ यहाँ पे कितना हो रहा है? लॉस 1 एमयू मास का हो रहा है ना। तो ये 1 एमयू मास का लॉस हुआ कैसे अपने को, इसको जानना है। देखिए यहाँ पे ना दो स्टेप्स हो रहे हैं इस रिएक्शन में। जब अल्फा कणों की हम बौछार करवा रहे हैं तो यहाँ पे दो स्टेप हो रहे हैं। पहला कार्बन 6 बन रहा है, कार्बन बन रहा है। दूसरा रेडिएशंस बन रही है। तो अब अपने को इस 1 एएमयू को क्या, यहाँ पे तो 12 एएमयू अपने को मिल गया, लेकिन जो 1 एएमयू क्या वो हमें इस रेडिएशन में मिलेगा उसको जरा देखते हैं। इन रेडिएशंस को क्या किया गया आगे? फर्दर जो है, फर्दर इसे प्रोसीड करवाया गया। और यहां पर ना इन रेडिएशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से, विद्युत, क्या बोलते हो, विद्युत क्षेत्र से इसको प्रभावित करवाया। यह है धनात्मक प्लेट और यह है ऋणात्मक प्लेट। जब इन्हें विद्युत क्षेत्र से प्रभावित करवाया जाता है तो पाया गया ऑब्जर्वेशन में कि ये रेडिएशंस ना तो धनावेश प्लेट की ओर विक्षेपित होती है, विचलित होती है, और ना ही ऋणावेश प्लेट की ओर विचलित होती है। तो भैया ऐसा क्यों? कैथोड रेस और एनोड रेस को जब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रवाहित करवाते हैं उनको, तो कैथोड रेस धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती है और एनोड रेस ऋणावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती है, विचलित होती है। परंतु ये रेडिएशन ना तो धनावेशित प्लेट की ओर विचलित हुई है और ना ही ऋणावेशित प्लेट की ओर विचलित हुई है। इसका मतलब ये जो रेडिएशन है जो हैवी अमाउंट में हायर ऊर्जा के साथ निकली है, ये रेडिएशन क्या है? आवेश रहित है, आवेश रहित रेडिएशन, रेडिएशन। तभी तो ये धनावेश, धनावेशित प्लेट और ऋणावेशित प्लेट दोनों में से किसी भी प्लेट की ओर विचलित नहीं होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और इन रेडिएशंस को एक वैक्स की, जो पैराफिन वैक्स है, पैराफिन वैक्स से इनको टारगेट किया गया, पैराफिन वैक्स पे इनको गिराया गया। यह है आपकी पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स। जब इसको पैराफिन की वैक्स से पास करवाया जाता है, फाल करवाया जाता है, पैराफिन की वैक्स पे रेडिएशंस को, जो आवेश रहित रेडिएशंस, उसको गिराया जाता है, तो देखा जाता है कि यहां से प्रोटॉन इमिट होते हैं, प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं। तो भाई साहब पंगा हो गया। क्या हो गया? पंगा। लोग खुजाने लगे दिमाग को कि भैया हुआ तो हुआ क्या? आवेश रहित रेडिएशन अंदर डाली, बाहर निकला प्रोटॉन, और प्रोटॉन तो निकला ही निकला। अब यहां से जो रिजल्ट है ना वो जेम्स चैडविक साहब निकालेंगे। मान के चलते हैं, अब ना यहां से प्रोटॉन तो निकला ही है,
अब इन्होंने क्या किया, अंदर जो वेक्स है वेक्स के परमाणु का परमाणु बाहर निकाला। मान लीजिए जब हम रेडिएशन पास नहीं करवाते हैं तो उस समय ये परमाणु है, ठीक है, किसके, वेक्स के परमाणु है, और उस समय वेक्स के परमाणु का परमाणु भार मान के चलते हैं 50 AU है। मानने में क्या जा रहा है बेटा, समझना ही है। मान लो, मान के चलते हैं वेक्स के परमाणु का भार 50 AU है। अब हम इस पर रेडिएशन को पास करवा रहे हैं, यहां से जो रेडिएशन आई है उसको हमने फॉल करवाया। जैसे ही रेडिएशन हम इस पर पास करवाते हैं, इन रेडिएशन का वेग बहुत ज्यादा होता है ना, उच्च वेग के साथ जाती है, ठीक है, उच्च वेग, इनका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा मोमेंटम होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, है ना। अब देखो जैसे ही ये यहाँ पे गिरेंगी किस पे, परमाणु पे, देखिए एक बार बताओ, अगर आप सीधे खड़े हो और पीछे से आपको किसी ने भचीड़ मार दी तो आप किधर जाओगे, पीछे जाओगे कि आगे जाओगे, ऑब्वियसली आप आगे जाओगे। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे दूसरा कोई पार्टिकल बहुत तेज गति से आकर के कोई बचीड़ मारता है, तो ये पार्टिकल आगे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा, आगे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो ना यार। बिल्कुल ऐसा सा ही हो रहा है, किसके अंदर, यहाँ से रेडिएशन उच्च वेग के साथ गई है, उच्च वेग के साथ जाकर के मान के चलते हैं इस वेक्स के परमाणु के प्रोटोन के साथ इसकी बचीड़ होती है। क्या होती है, बचीड़ होती है। जैसे ही प्रोटॉन के साथ इसकी भचीड़ होगी, प्रोटीन प्रोटॉन बाहर उछल के निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे बोलो ना यार, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सर बात तो सही है। तो जैसे ही प्रोटॉन बाहर निकला, तो अब मान के चलते हैं एक प्रोटॉन बाहर निकला है, एक प्रोटॉन बाहर निकला है मतलब 1 AMU का लॉस हुआ है, है ना। तो कितना होना चाहिए, 49 AMU हो जाना चाहिए परमाणु का भार। तो जब एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा, एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा, तो परमाणु का भार 50 से 49 AMU हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए ना सर, बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन 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 पाया गया कि यहां पर रेडिएशन पास करवाने के पश्चात, या फिर हम कहें प्रोटॉन के बाहर निकलने के बाद, और प्रोटॉन जब बाहर नहीं निकलता है, तो उन दोनों ही कंडीशंस में यहाँ जो वेक्स का परमाणु भार है वो 50 AMU ही रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो भैया ऐसा क्यों हुआ, अभी देखो, ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, एक ही कंडीशन में हुआ। पैराफिन वैक्स में हमने केवल और केवल एक ही कंडीशन अप्लाई किया, रेडिएशन को पास करवाया, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, यानी कि इस रेडिएशन की वजह से परिवर्तन आया है, परिवर्तन इस रेडिएशन की वजह से इसके एटोमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं आया, एटोमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब ना इससे सीधा एक मीनिंग निकलता है कि इस रेडिएशन में कोई ऐसा पार्टिकल है, कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका मास भी 1 AMU है, जिसका मास भी 1 AMU है, यानी कि अगर यहां से 1 AMU का मास बाहर निकलता है, तो उस 1 AMU के मास की पूर्ति ये यहां से जो पार्टिकल गया है वो इसकी पूर्ति कर देगा। अगर एक प्रोटॉन बाहर निकला है तो उस प्रोटॉन का, उस प्रोटॉन के स्पेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, यहां से जो पार्टिकल अंदर गया है, यहां से जो पार्टिकल अंदर गया है। मान लीजिए इस वाले पार्टिकल का, इस वाले प्लेस का 1 AMU का एक, मान लीजिए क्या है, 1 AMU है। अगर ये 1 AMU बाहर निकला है, ये यहां पे पहुंच गया, अब इसको यहां पे पहुंचना है, तो इसका भी भार कितना है, 1 AMU का भार है, तो यहां पर भी कितना आ गया, अब वापिस से फिर से 1 AMU का वेट आया कि नहीं आया, बोलो ना यार। तो परंतु परिवर्तन कहां पे आया, इसमें एक प्रोटॉन बाहर निकला है, और प्रोटॉन के प्लेस पे ये एक ऐसा पार्टिकल आया है जिसका वेट भी 1 AMU है, और जिसका आवेश कुछ नहीं है, आवेश है ही नहीं उस पे, ये एक परिवर्तन आया है। तो ऐसे पार्टिकल को ही क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया, जिसका मास, इस न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1 AMU है, और आवेश रहित है, आवेश रहित है। तो इस पार्टिकल को, जिसने इस प्रोटॉन के भाग को, प्रोटॉन के जगह को ऑक्यूपाई किया है, और उसके मास को मेंटेन रखा है, परमाणु के भार को मेंटेन रखा है, उसी पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन कहेंगे।
बोलो ना यार, चीजें समझ में आई कि नहीं आई? सर बात तो सही है। अभी देखो यहाँ पे ना एक एएमयू का लॉस हुआ था, और एक एएमयू किसका मास है? न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का। तो ये एक एएमयू इस रेडिएशन के थ्रू इसका लॉस हुआ है। इस रेडिएशन में क्या, ये एक एएमयू का मास है, इतना अपने को पता चल गया। अब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, उसको एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले इस फॉर्म में था, अब हमने क्या कर लिया, उसको रेडिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये जो एक मास है वो क्या हुआ, एक मास जो है वो रेडिएशन के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में लॉस हुआ है। बोलो ना यार, समझ में आया कि नहीं आया? सर बात तो बिल्कुल सही है। ये चीजें बताई थी जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने, है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी, और यहाँ पे होती है न्यूट्रॉन की खोज, खत्म। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, एक एएमयू यहाँ पे ना न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का जो आप, अच्छा इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। अभी देखो यहाँ पे ना जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.67 × 10^24 ग्राम, और प्रोटॉन का मास भी कितना है, 1.67 × 10^24 ग्राम। ये -24 ग्राम है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की संख्या एक परमाणु में हमेशा समान रहती है। क्या रहती है, समान रहती है। तो इनका परमाणु भार, अब देखो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो हीलियम का परमाणु भार जो है, इसमें दो प्रोटॉन है और दो ही क्या है, न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को तो मास में काउंट करो ही मत। तो इसका भी मास कितना है, 2 AMU, और यहां से भी कितना आया, 2 AMU। तो टोटल कितना हो गया, 4 AMU का मास हो गया। ऐसे ही कार्बन में है, ऐसे ही ऑक्सीजन में भी है, इस प्रकार से, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।